साउथ अफ्रीका में सिरिल रामफोसा लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। रामफोसा की अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन किया है और इसी के साथ गठबंधन सरकार के पास अब संसद में 400 में से 283 सीटें हैं। इसी के साथ पिछले 30 साल में ये पहली बार है जब नेल्सन मंडेला की बनाई ANC पार्टी ने देश में गठबंधन की सरकार बनाई है। दरअसल साउथ अफ्रीका में 29 मई को आम चुनाव हुए थे, इसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सबसे अधिक 40% वोट हासिल हुए, लेकिन वो बहुमत से चूक गई। वहीं ANC की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी DA को 22% वोट मिले।